Now we will discuss system level. Different organ combine and form organ system which perform a particular function. हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के organ body में combine होते हैं और वो एक particular function body में perform करते हैं जिसे हम कहते हैं organ system. अगर हम plant को देखें तो plant में two organ system है, एक है root system और दूसरा है shoot system. अगर हम human को देखें तो हम में है 11 system. रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, नर्वस सिस्टम विच इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, एंडोक्राइन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ हार्मोन, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके थ्रू हम अपनी खुराक को हजम करते हैं, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिसके थ्रू हम बच्चे लाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, इंटिगुमेंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन, यूरिनरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके थ्रू हम यूरिन को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है और ये वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से कैसी होती है वो हम यूरिनरी सिस्टम में पढ़ते हैं. तो ये है सिस्टम जो ऑर्गन की कम्बिनेशन से बनी है. अब लास्ट जो लेवल है वो है ऑर्गेनिज्म लेवल. टू सिस्टम ऑफ प्लांट कंबाइन मेक प्लांट बॉडी. अगर प्लांट के टू सिस्टम हमारे पास कंबाइन हो जाए तो उससे प्लांट की बॉडी बनती है, एक दरख्त उसके से बन जाएगा. एफ 11 सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंबाइन एंड मेक ह्यूमन बॉडी. अगर ये 11 सिस्टम ह्यूमन के कंबाइन हो जाए तो इससे हमारी ह्यूमन की बॉडी, हम इंसानों की बॉडी इससे बन जाएगी. दैट बॉडी इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. इसे फिर हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अगर हमारी 11 सिस्टम कंबाइन हो और ये एक कोऑर्डिनेट फंक्शन करे तो इससे हमारी बॉडी जो है ये जो है बनेगी, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल. सो हमने ये कहा था कि ह्यूमन जो है ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स है क्योंकि इसकी बॉडी 11 सिस्टम से बनी है और इस हर एक सिस्टम को हम डिटेल से स्टडी करेंगे. तो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह हमने एक सिंपल से स्टार्ट किया और हम आए एक कम्प्लेक्स की तरफ, ह्यूमन बींग. इसमें हमने मुनेरा को एक्सक्लूड किया, उसका एक लेवल था. इसमें हमने प्रोटेस्ट को भी एक्सक्लूड किया, उसका एक छोटा लेवल था. इसमें हमने पंजाय को भी एक्सक्लूड किया, उसका भी एक छोटा लेवल था. बाद में हमारे पास जो प्लांट और एनिमल थे उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है. तो इसमें हम ऑर्गेनिज्म लेवल तक आ गए. सो इसके बाद हमारे पास कुछ और लेवल है, इसमें हम फिर उसमें डिस्कस करेंगे. जो हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास इकोसिस्टम है और हमारे पास जो बायोम्स है और हमारे पास जो बायोस्फीयर है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे.